सो हेलो भाई, कैसे हो आप लोग? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई, एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। सो भाई, जिस गाड़ी की हम बात करने वाले वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, व्हाइट कलर में कैसी लग रही है भाई, आप सबसे पहले कमेंट में ये बता दो। सो भाई, आज हम बात करने वाले मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2024 का फेसलिफ्ट वेरिएंट। भाई, जो कुछ भी इसमें चेंजेस हुए हैं और जो कुछ भी कंपनी ने आपको फोर्थ जनरेशन के हिसाब से चेंजेस करके दिए हैं भाई, वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और भाई, दिखाएंगे जो भी हमारे पास अभी तक इसके न्यू लॉन्च फोटोज आए हैं और भाई जो इसकी कुछ वीडियोस है, अभी भाई आपको इंडियन रोड्स पे नहीं दिखेगी, अभी आपको ये शोरूम्स में भी नहीं दिखेगी। 9 मई को भाई ये लॉन्च होगी और उससे पहले कि हम आपको वीडियोस वगैरह सारा कुछ बताएं। सो भाई, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो हम सीधा बात करते हैं भाई गाड़ी की। फ्रंट लुक आप देख सकते हो भाई, ये पूरा इसको मिनी कूपर बना के छोड़ेंगे। आपको ऐसी ग्रिल मिल जाती है सामने और भाई आपके फॉग लैंप्स और आपके भाई हेडलैंप्स कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं। फ्रंट का नीचे का भाई बम्पर भी चेंज है, ठीक है भाई। आप सामने देख सकते हो इसका भाई जो ये बोनट खुलने का है, इसमें भाई थोड़ा सा डिफरेंस है। आगे से पूरी फेसलिफ्ट कर दी है भाई। आपको एल टाइप में फ्रंट में हेडलाइट्स मिलती हैं, एलईडी भाई आपकी हेडलाइट्स है बढ़िया, और आपको फ्रंट में बहुत तगड़ी लुक मिल जाती है। और साइड में आप देख सकते हो भाई, आपको साइड में एक ऐसी लाइन सी दिखेगी डोर हैंडल्स पे। हैंडल भाई आपका पहले ऊपर आता था, पीछे वाला आप नीचे कर दिया। 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं भाई। अगर आप पीछे की प्रोफाइल की बात करते हो तो भाई कुछ इस तरीके के आपको एलईडी टेल लैंप्स मिलते हैं, आपको पूरे अलॉय व्हील्स मिलते हैं बढ़िया डायमंड कट में। और पीछे से आप भाई लुक आप खुद देख सकते हो, ऊपर ऐसा स्पॉइलर और भाई कुछ इस तरीके के आपको स्विफ्ट लिखा मिलता है और कुछ आपको आता नहीं है। वेरिएंट वगैरह 4 पार्किंग सेंसर्स और पीछे भाई 2 लाइट्स, भाई वही सेम सा लुक है। थोड़ा बहुत चेंजिंग की है, मतलब माइनर से चेंजेस है भाई। और भाई नया जो ब्लैक कलर अब सब गाड़ियों में इंट्रोड्यूस हो रहा है, अगर मैंने इस गाड़ी में दिखा दिया ना, ये देखो भाई, भाई ये देखो, आप भी बोलोगे भाई कोई चीज बना दी भाई मारुति सुजुकी ने। भाई अगर बिना मॉडिफिकेशन स्टॉक गाड़ी इतनी तगड़ी लग रही है और भाई लोग इसको मॉडिफाई करा लेते हैं तो कितनी भयंकर लगेगी भाई। भाई ये पूरा नया 2024 वाला वेरिएंट है। अब आ जाते हैं भाई इंटीरियर पे। आप देख सकते हो पहले जो आपको सिंपल पूरा ब्लैक कलर का मिलता था, अभी आपको 2 कलर टोन में मिलता है, एक व्हाइट और एक ब्लैक, जिससे भाई आपको मतलब काफी प्रीमियम और काफी अच्छा लगा। बाकी भाई स्टेयरिंग तो पहले भी आपको एसआईडी कट में मिलता था और बाकी आप स्क्रीन देख सकते हो 10 इंच की भाई बड़ी स्क्रीन है और भाई आपको एसी वेंट्स वगैरह आप देख सकते हो ऐसे ही सेम टू सेम जैसे बलेनो में आते थे भाई ऐसे लगा दिए भाई। इस गाड़ी में भाई आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको इजिली मिल जाता है, अच्छे एसी पीसी काम करते हैं भाई इसके। आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हो, पहले से थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया भाई। पहला ज्यादा स्पोर्टी फील देता था, ये फिर भी थोड़ा सिंपल सा ही है। ऑटोमेटिक में गाड़ी आपको भाई मिल जाती भाई। ऑलमोस्ट हमने सारी गाड़ी मेन डिस्कस कर ली है। अभी भाई आपको एक फीचर और नया बता देता हूँ जो कि भाई इसमें आ रहा है। आपको मिलती है इसमें इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और आपको भाई हिल होल्ड असिस्ट का भी आपको फीचर आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाता है। सो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।